हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सब बेसब्री से इंतजार करें, आखिर बिहार फेयरमैन का रिजल्ट कब तक आएगा। उससे पहले आप सबके दिमाग में एक बात ये जरूर चल रहा है कि आखिर बिहार फेयरमैन का रिजल्ट आने में इतना लेट क्यों हो रहा है, आखिर बिहार फेयरमैन का रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों, मैं आप सबको बता दूँ कि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आखिर आपका बिहार फेयरमैन का रिजल्ट कब तक आ जाएगा और रिजल्ट आने में इतना लेट क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि आखिर बिहार फायरमैन का रिजल्ट कब तक आएगा। उससे पहले आप लोग का एक बात जानना जरूरी है कि आखिर बिहार फायरमैन का रिजल्ट आने में इतना लेट क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि बिहार फॉरेस्टर गार्ड और फॉरेस्टर का क्या है मेरिट लिस्ट आना बाकी, आप सबको पता होगा। तो दोस्तों, इसका मेरिट लिस्ट आना बाकी है, इसीलिए आपका बिहार फायरमैन का रिजल्ट आने में इतना लेट हो रहा है। तो दोस्तों, रही बात कि आखिर बिहार फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड का आखिर मेरिट लिस्ट कब तक आएगा, तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि इसी मंथ में आपका बिहार फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड का मेरिट लिस्ट आने वाला है और साथ ही में आपका बिहार फायरमैन का भी रिजल्ट आने वाला है। तो दोस्तों, कब तक आ जाएगा? तो दोस्तों, आपका ये बिहार फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड का जो रिजल्ट है, आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा? तो इसी मंथ के 28 या 29 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और बिहार फायरमैन का रिजल्ट कब तक आ जाएगा? तो दोस्तों, 30 तारीख तक आपका रिजल्ट आने की संभावना है। दोस्तों, मैं पहले भी आप सबों को बताया कि फिजिकल को आप लोग जारी रखें, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, 10 से 15 दिन आपको समय मिलेगा, क्योंकि ये बहाली जो है ऑलरेडी लेट हो चुका है, इस कारण आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। और रिजल्ट आने के बाद तुरंत इसका फिजिकल कराया जाएगा। आप लोग इस बात को ध्यान में रखते हुए अपना फिजिकल को जारी रखिए, ठीक है मेरे भाई? क्योंकि अगर आप फिजिकल अभी से ही जारी रखते हैं तो उस समय आपको दिक्कत नहीं होगा। और आप एक बात जानते हैं कि फिजिकल पर ही मेरिट लिस्ट बनता है, तो अगर आपको मेरिट लिस्ट के अंदर नाम लाना है तो आपको फिजिकल को जारी रखना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दो ऑल प्रेस कर दें ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।